अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। कर्नाटक में उड़पी कुंदापुर भद्रावती में हिजाब को लेकर जानबूझकर बखेड़ा खड़ा कर दिया जा रहा है, इतना तो सच है। अब कहीं आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं और इसे लेकर बाहरी मुल्कों में भी एतराज़ात दर्ज किए जा रहे हैं। जाहिर भाजपा या हिंदुत्ववादी सोच और फिक्र ज़्यादातर यहूदियों से ही मेल खाती है। दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह यहूदियों को देखा जाता है, उसी तरह यहूदियों के नक्श कदम पर चलने वाले हिंदुत्ववादियों को भी मुसलमान मुस्लिम तहजीब के खिलाफ इन्हें किसी न किसी तरह परेशान करने की कोशिश मुस्तकिल जारी ही रखे हैं, इसमें कोई शक नहीं। जब सेकुलरिज्म या फिर सभी को समान हुकूक की बात के तहत इस तरह की बहस की जा रही है, इसके बावजूद भी सवालात खड़े होते हैं कि क्या वाकई ये मुल्क सेकुलर है। एक ड्रेस कोड जिस पर किसी मजहब की शनाख्त ना हो की बात कही जाती है तो फिर संसद तो जमहूरियत की पहचान होता है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, फिर यहाँ योगी साध्वी जैसे भगवा पहनकर क्यों दाखिल होते, सभी को एक ही तरह का लिबास क्यों नहीं पहनाया जाता। लिहाजा एक तरह से जानबूझकर एक्सा सिविल कोड की तरफ जबरदस्ती ले जाने की कोशिश भाजपा या संघीय विचारधारा के लोगों की जानिब से कही जा सकती। जो भी कानून बनने जाएगा या बदले जाते हैं, इस कानून के बनने या निकालने के पीछे महज मुस्लिम दुश्मनी देखी जाती है। एक तरफ जहां मुस्लिम माशरा इल्म के मैदान में पिछड़ने की बात कही जाती है, वजीर आजम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बजाहिर तो लगाते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम माशरे की लड़कियां पढ़ना चाहती है तो इन पर तरह तरह की पाबंदियां लगाने की कोशिश की जाती है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इसका इलाज क्या है, हल क्या है। एक महीने से उड़पी में इस मामले को लेकर मुस्लिम लड़कियों को क्लासेस में बैठने नहीं दिया जा रहा, पर अब तक तमाम इल्मी हो या सियासी दानिश्वर खामोश ही थे। सवाल तो हम सेक्युलर कहने वालों से बाद में पूछेंगे, पर जो मुसलमान कौम के रायबर और मुसलमानों के होठ हासिल करना चाहते हैं, कौम के हमदर्द बनकर किसी ने भी आवाज नहीं उठाई थी। एक महीने के बाद मुस्तकिल उड़पी में क्लासेस में बैठने न दिया गया, कुंदापुर या भद्रावती में भी इसी तरह हिजाब पर हंगामा होने लगा तो धीरे धीरे आवाज उठनी शुरू हुई। भारत के मुसलमानों से पहले यूएई की शहजादी ने हिजाब पर रोक लगाने के मामले पर भारत की हुकूमत को तवज्जो देने की बात कही है। विदेशी मीडिया ने भी इस पर हिंदुत्ववादियों की जानिब से हिजाब पर रोक लगाने की खबरें चलाते हुए भारत में मोदी हुकूमत के बाद किस तरह हिंदुत्ववादियों का तसल्लुत बढ़ता जा रहा है और कैसे मुसलमानों पर जमीन तंग की जा रही है, इसका तस्करा किया जा रहा। खासकर अल जजीरा, बीबीसी और गल्फ न्यूज ने इससे पहले पन्ने पर जगह दी है। मुसलमानों पर हर जगह इस तरह हिरासा क्यों किया जा रहा है, सियासी तो वजह है ही, पर जिस सोच और फिक्र से मुतासिर मौजूदा हुकूमत है, मुसलमानों के तिजारतों से लेकर नौकरियां तालीमी मैदान में मजहब की बुनियाद पर और भी ज्यादतियां कर सकती है, ऐसा माहिरीन का कहना। तभी तो जगह जगह धर्म संसद गली मोहल्ले में भगवा सोच और फिक्र के नौजवानों को गलत इतिहास तारीख बताकर एक समाज के खिलाफ इन्हें खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। अब जब इन कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को महज हिजाब पहनने को लेकर कॉलेज में दाखिला ना देना इस सेक्युलर ढांचे को इतना नुकसान दे हो सकता है। संविधान को कैसे पथ पुष्ट डालकर मनमानी फैसलों के तहत एक समाज को निशाना बनाया जा रहा है। क्या कभी मुसलमानों ने सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेजेस, बैंक, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जेल, पुलिस थाना, यहाँ तक अदालत, हर जगह पर मंदिरों की तामीर की हुई है, कभी आवाज उठाई? क्योंकि भारत का संविधान हर एक को इसके मजहब के मुताबिक जीने का, रहने खाने पीने का हक देता है। और सबसे अहम, योगी जैसे वजीर आला को इसके भगवा ड्रेस की बुनियाद पर इसलिए रोक लगा देनी चाहिए क्योंकि मुल्क के संविधान के तहत गलत है। और जब रियासत या वजीर आला भगवा पहनकर दफ्तर में बैठ सकता है तो लड़कियां हिजाब पहनकर क्यों कॉलेजेस में पढ़ नहीं सकती, ऐसा ट्वीट इल्मी माहिर लेक्चरर तारिक दान, जिन्होंने तारीख पर कई किताबें लिखी है, अशोक कुमार पांडे ने खुलकर आवाज उठाई है। इसी तरह राहुल गांधी, जमीर अहमद, रोशन बेग, कनीस फातिमा वगैरह बड़े सियासी लीडरों ने भी ट्वीट के जरिए आवाज उठाई तो है, लेकिन काफी देर बाद ही कह सकते हैं। छोटी सी छोटी बात पर अपना रद्दअमल जाहिर करने वाले सियासतदान अब तक खामोश रहे। ये भी अजीब मामला मुस्लिम माशरे का है कि भाई जान के लिए तो एहतजाज हो जाते हैं, लेकिन पिछले एक महीने से ज्यादा जो उम्मत की बहनें हिजाब की खातिर लड़ रही है, यहाँ आवाज नहीं उठाएगी। खैर, देर से ही सही, पर अब धीरे धीरे आवाज उठ रही। कॉलेजेस में भगवा गमछा पहनकर क्लास में इसलिए बैठ रहे ताकि हिजाब पर रोक लगा दी जाए। अब कईयों ने यह भी कहा है कि लड़के क्या पहनकर आते हैं यह मसला हमारा है ही नहीं, पर हिजाब किसी हाल में नहीं निकाला जाएगा। वैसे भी अदालत में हिजाब को लेकर दो अर्जियां दाखिल की गई हैं, अदालत का क्या फैसला रहेगा इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। आज गुलबर्गा में हिजाब पर रोक लगाने की कोशिश के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें कसीर तादाद में कॉलेज की लड़कियां शरीक रही।
और उड़पी कुंदापुर और भद्रावती में हिजाब पहनकर कॉलेज जाने वाली लड़कियों की हिमायत करते हुए एहतजाजी जुलूस का एहतमाम किया गया। इसकी सदारत गुलबर्गा कांग्रेस MLA मोहतरमा कनीज फातिमा ने की थी। ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ಲಾರ್ದು. ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದಾಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ಭಾರತ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೊಂದು ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಟ್ಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀವಿ? ಇವಾಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಏನೊಂದು ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕೊಂತಾರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬಿಗಳು ನೋಡ್ತಿರ್ಬಹುದು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಅವ್ರು ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಒಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರುಮಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೀವು ಬರೀ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಷ್ಟೇ ನೀವು ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹಂಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ದೇಶನೇ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬರೀ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕನೀಸ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಹಿಜಾಬ್ದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಗದಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ವಿಷ ಬಿದ್ದಿದಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕು. ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಹಿಜಾಬ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಏನ್ ಗುರ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಬಾರ್ದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಬರೀ ಒಂದು ಹಿಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂತ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಶಾಲೆಗಳು ಬಂದಾಗಿವೆ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ, ಈಗ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬಿತ್ತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಾರ್ದಂಗ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚೋ ಹಂಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್, ನಾನು ವಾಣಿಶ್ರೀ ಸಗರ್ಕರ್, ಮಹಿಳಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಏ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೇ ಜಹಾಂ ಪೇ ಏಕ್ ಬಚ್ಚಾ ಅಪ್ನಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜೊ ಹೇ ಅಪ್ನಾ ಏಕ್ ಬನಾ ಕೇ ನಿಕಲ್ತಾ. ಜಬ್ ಯಹೀ ಪೇ ಅಗರ್ ತುಮ್ಕೋ ಸಿಖಾ ರಹೇ ಕಿ ಯೇ ಹಿಜಾಬ್ ನೇ ರಹನಾ, ದಿಸ್ ಯೇ ನೇ ರಹನಾ, ವೋ ನೇ ರಹನಾ ಬೋಲ್ ಕೇ, ತೋ ಆಗೇ ಹಮಾರೆ ದೇಶ್ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಹಾಲ್ ಹೋಯೆಂಗಾ. ಆಜ್ ಹಮಾರೆ ದೇಶ್ ಮೇ ಎಜುಕೇಶನ್ ನೇ ಚಲ್ ರಹಾ, ಬಲ್ಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಯಹೀ ಕೊರೋನಾ ಹೈ, ಹಿಜಾಬ್ ಹೈ, ಯೇ ಹಿಂದೂ ಹೈ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಹೈ, ಯಹೀ ಚಲ್ ರಹಾ ಹಮಾರೆ ದೇಶ್ ಮೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯೇ ಹಮಾರೆ ದೇಶ್ ಮೇ ಹಮಾರ್ ಲೋಗೋಂ ಕೋ ಅಲಗ್ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಸಾಜಿಶ್ ಹೈ, ಕೋಶಿಶ್ ಹೈ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. आज वार्ड नंबर 2 के कारपोरेटर जनाब मुजम्मिल डोनी साहब ने इलेक्शन के दौरान रुका हुआ जिम का यानी वर्जिशगाह का काम जारी किया हुआ है. इसके बाद खंजर गली की अलफते जिम का भी बकाया काम को अंजाम देने का वादा कारपोरेटर मुजम्मिल डोनी ने किया था, जिसे जल्द शुरू करने की बात भी उन्होंने कही. आगे ये भी कहा कि अभी तक मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव और कारपोरेटर्स को चार्ज नहीं दिया गया, लिहाजा जल्द ये कार्रवाई अमल में आने वाली है, लिहाजा रुके काम को मुकम्मल करने का काम मुजम्मिल डोनी ने शुरू किया हुआ है. चिराग नगर के अंदर जो सेकेंड टर्म में जो बिल्डिंग का काम, जिम बिल्डिंग का काम पेंडिंग था, करीबन 15 लाख के लागत से काम को शुरू किया गया था और लास्ट में फंड ना होने की वजह से और कॉर्पोरेशन इलेक्शन के वजह से कोड ऑफ कंडक्ट आया, जो पेंडिंग काम है आज उसे पूरा कर रहे हैं. जैसा कि गिलावा, पैरापेट, फिर टाइल्स, विंडोज और आने वाले दिन में भी जो भी हमारे वार्ड नंबर 2 की जितनी भी समस्या है, इंशाल्लाह मैं जो भी जितना 10 साल पीछे जो काम किया उससे अच्छा मैं काम करने की कोशिश करूंगा. और चिराग नगर में अभी मैं देख रहा हूं कि बीच में जो पानी का प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारे अभी LNT को जो काम दिए हैं, हम कॉर्पोरेशन में खाली बॉडी फॉर्म होने का वेट कर रहे हैं. जैसे ही बॉडी फॉर्म होने के बाद में जो पानी के ऊपर जो LNT का जो ये चला है उनका कंट्रोल अच्छा नहीं है, उसके पर हमारा बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स का ऑब्जेक्शन है और हमारा भी ऑब्जेक्शन है और उसके पर हम आवाज उठाएंगे. और उसके अलावा अभी थर्ड टर्म में मेरा फर्स्ट काम चिराग नगर से स्टार्ट हो गया है, इसके बाद में खंजर गली के टॉयलेट्स का भी काम स्टार्ट है और खंजर गली के जिम का भी काम अभी ऑफिसर्स आए हैं, उनको बोल के वो भी हम स्टार्ट करेंगे. और वार्ड नंबर 2 के अंदर जितनी भी हमारी जो पब्लिक है, जितने भी है, जो भी कभी काम हो मुझे याद करें, इंशाल्लाह मैं काम को पूरा करूंगा. भाजपा के कुछ लोगों को एक वक्त अगर खाना भी ना दिया जाए तो चलेगा, लेकिन मुसलमान पाकिस्तान का नाम इनके लिए गिजा से कम नहीं है और ये जिंदा रहने के लिए काफी होता है. लिहाजा उड़पी कुंदापुर में हिजाब को लेकर जो मामला चल रहा है, इस पर बीजापुर के भाजपा MLA यतनार पाटिल ने एक बार फिर मुस्लिम समाज पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें भी उर्दू हिजाब मदरसा चाहिए
ये लोग पाकिस्तान चले जाए, तमाम मदरसों को बंद करने की बात कही खैर, यतनाल पाटिल अक्सर जहरी तवाजन खोने की बात कही जाती है जिसे बहुत ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया जाता, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरने की कमजोर कोशिश करते रहते हैं, ऐसा अवाम में कहा जा रहा था। मदरसागळन्नु सह कर्नाटकदल्लि बंद माडो, उर्दू शालेगळन्नु बंद माडो, कडिलिद्रे कन्नड कलीरि ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ ಇದೆ? ನಿಮಗೆ ಉರ್ದು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಇದ್ರ ಬೇಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅವಾಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ। कॉर्पोरेशन बॉयज कॉम्प्लेक्स की इमारत खस्ता और कमजोर हालत में होने की बिना पर कॉर्पोरेशन बेलगाम की जानिब से इसे गिराने का फैसला लिया गया। लिहाजा कॉर्पोरेशन कॉम्प्लेक्स के सभी ताजिरों ने आज डीसी बेलगाम को मुतालबा पेश करते हुए कहा कि इमारत को गिराने के फैसले पर कॉर्पोरेशन और डीसी बेलगाम संजीदगी से गौर करें, क्योंकि इमारत महज 30 साल पुरानी है और अगर इमारत को गिराया गया तो तकरीबन 400 से 500 लोगों का रोजगार चला जाएगा, लिहाजा गिराने के फैसले पर दोबारा गौर फिक्र किया जाए। ताजिरों ने आगे कहा कि इससे पहले भी कई मर्तबा हमने कॉर्पोरेशन कमिश्नर से गुफ्तगू की थी और अर्जदाद भी पेश की थी, इसके बावजूद भी बात को नजरअंदाज किया गया, एमएलए से भी मुलाकात की और तस्करा किया गया था, पर अब 15 दिन की कलील मोहलत में कॉम्प्लेक्स को गिराने का फैसला लिया गया, जिस पर दोबारा नजरसानी करने की बात कहते हुए डीसी बेलगाम को मुतालबा पेश किया गया। इस वक्त कॉर्पोरेशन कॉम्प्लेक्स गोवा वेस्ट के ताजिर कसीर तादाद में शरीक रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ನಾವು ಸಮಸ್ತ ಗೋವಾ ವೇಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಡುಗೆದಾರರು ನಾವು 1999 ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ತೆಗೆದು 15 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ತೆಗ್ದಾರ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಳಕಾಗ್ಯದ ಅದು ಇದು ಅಂತ। 15 ದಿವಸದಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಈಗ ಎಕ್ದಮ್ಮ ಹೋಗಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ನಮ್ದೇನು ಮನೆಯವನಿಗೆ ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಷ್ಟದಂತ ನೀವೇನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ, ಅದು ಮತ್ತು ಒಂದು 2 ಚಲೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದು ಕರೆನ ಕಟ್ಟೋದೋ ಏನು ಚಲೋ ಅದಾವನೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ದು ಮನವಿ ಅದ। ನಾವು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಿ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಕಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ। ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು 15 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ನಾವು? ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಒಂದು 55 ಅಂಗಡಿ, ಒಂದು 300-400 ಜನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದಾವೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಉಪಜೀವನ, ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ। आमच्या कॉम्प्लेक्समध्ये अचानकच त्यांनी घात घातल्यासारखं खाली करण्यासाठी सांगितलेलं आहे, पण हे अचानक केल्याने आम्ही कसं काय कुठे काय धंदा सेटअप करणार, सगळे धंदे मोडकळीस येणार। संपूर्ण कॉम्प्लेक्समध्ये जवळजवळ 500 ते 700 लोकांचं पोट चालतं आहे तिथे, इतर स्टाफ आहे, इतर लोक मदत करणारे आहेत असं आहे, आणि ओनर आहेत तिथे दुकानवाले। कसं काय करायचं आता याच्याबद्दल? किती वर्षापासून आम्ही 1991 आहोत। खाली करा म्हणून 15 दिवसाच्या आत खाली करा म्हणून नोटीस दिलेली आहे आम्हाला। हमारा HP गॅस युटिलिटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स में दुकान है जो एसेंशियल सर्विसेस का है, जो LPG सप्लाई का है, तो हम वहाँ से ऑलमोस्ट 30-35 ईयर से है वहाँ का, और रेगुलरली रेंट भर रहे हैं सब, डिपॉजिट भर रहे हैं सब है, और अभी हमको 15 डेज में ऐसे दुकान खाली करना ऐसे बोले तो सबको बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ, और हमको बिल्डिंग एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लीकेज नहीं है, सब कंफर्टेबल सेटअप है। ये करना से ओपिनियन फ्रॉम द स्ट्रक्चरल इंजीनियर से आप ओपिनियन लीजिए, अगर बिल्डिंग में कोई मेजर प्रॉब्लम है तो समझ सकते हैं, नहीं तो इतने सारे लोगों का बिजनेस इज एट स्टेक और सबको प्रॉब्लम हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम। ज़ेर एहतमाम फैज़ान बाशीबान ट्रस्ट बेलगावी, हज़रत उमर फुकरा उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, अरबी और साइंसी सकाफती मेला, इस्लामिक आर्ट क्राफ्ट एंड साइंस फेयर,
सो आज जो है हमारे मदरसे में अरबी साइंसी सकाफती मेला जो है ऑर्गेनाइज किया गया था फैज़ान बाशीबान ट्रस्ट जो चेयरमैन साहब है हमारी उनके नज़र करम और तमाम मैनेजमेंट की काविशों और मीर मौलिमा साहिबा और तमाम स्कूल स्टाफ और ख़ास कर तमाम जो हमारे बच्चों की मेहनत है वो रंग लाई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं जिसमें साइंसी अदबी सकाफती ऑल डिफरेंट एक्टिविटीज़ यू कैन हैव अ लुक कि सुबह से लेकर अब तक लेडीज़ जेंट्स स्कूल के अलग अलग स्कूल से मदरसे के जो बच्चे हैं मोर देन 1800 स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कुल मिलाकर 1800 से ज़्यादा लोगों ने आज के इस प्रोग्राम को विटनेस किया है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स काइंडली जो भी एडमिशन्स आप लोगों की बच्चियों के करवाने हैं LKG से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक 15 फरवरी से स्टार्ट है 15 मार्च तक का ही वक्त आप लोगों के पास है तो सीट्स लिमिटेड है सिंस वी डोंट हैव वेरी बिग इंफ्रास्ट्रक्चर आप जानते हैं। बावजूद इसके हर क्लास में मैक्सिमम 40 टू 45 एडमिशन्स होते हैं तो देर ना करें बिकॉज देर आर लिमिटेड सीट्स जल्द से जल्द 15 फरवरी से 15 मार्च तक एडमिशन शुरू है आज है। बहुत बहुत शुक्रिया।